खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। भूत पिचास बटोही दिगंबर, खेले मसाने में होली होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को भी आदेश आदेश। होली का माहौल है, सभी में चुल मचा हुआ है। मैसेज व्हाट्सएप जो माध्यम आप लोगों को मिल रहा है, सबसे आप एक ही बात पूछ रहे हो कि होली में बाबा कुछ तंत्र बता दो। बाबा नहीं हूं मैं, नाथ जी हूं। दूसरा, होली का माहौल है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैं बात भी करूंगा, आपको कुछ साधनाएं भी दूंगा, कुछ विषय भी रखूंगा। खैर हाँ, शुरुआत हमने एक गाने से किया, बड़े दिन से चुल मचा हुआ था, इस गाने को गाने का तो गा लिया, महादेव का। और जो महादेव के भक्त हैं उनके लिए होली का एक विशेष महत्व है। अगर ये होली नहीं होती, मतलब ये दिन नहीं होता, तो शायद हम लोग शिव शक्ति की शिव शक्ति का पूजा नहीं कर पाते। जब सती सती हो गई, जब उन्होंने अपने पिता के हवन कुंड में अपना जान दे दिया, उसके बाद महादेव को विरक्ति हो गई पूरे ब्रह्मांड से, पूरी पृथ्वी से, और वो जाकर के साधना में विलीन हो गए। और इधर पार्वती जी का अवतरण हुआ, पार्वती जी साधना करने लगी महादेव के लिए, लेकिन महादेव कैलाश में ध्यान में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, पूरी विरक्ति हो रखी थी। देवताओं को पता था कि काल चक्र चलाना, समय चक्र चलाना है, और पृथ्वी को आगे अगर चलना है तो महादेव का जो 108वां विवाह होना ज़रूरी है। अच्छा, ये भी मज़ेदार बात है कि हम लोग जानते हैं कि एक सती गई, उसके बाद पार्वती जी आगे नहीं, ऐसा नहीं है। जो 108 मुंडमाल महादेव पहनते हैं वो 108 तो उसमें पार्वती का मुंड है, सती का, भगवती का। 109वीं हुई हमारी पार्वती माँ। तो वो पूरा विरक्त होकर के वो बैठ गए थे। अब जब पूरा विरक्त होकर के बैठ गए तो देवता गए कामदेव के पास, उनको बोला कि काम भावना जगाओ महादेव में, नहीं तो कैसे पृथ्वी आगे चलेगी। कामदेव समझ गए कि सुसाइड मिशन पे भेज रहे हैं, जिहाद हो गया हमारा। तो फिर भी कामदेव फॉर अ बेटर वर्ल्ड वो चल दिए, वो गए हिमालय में, उन्होंने कैलाश पर्वत पे गए, महादेव ध्यान में बैठे थे, उन्होंने अपना तीर चला दिया। जैसे तीर चलाया, महादेव को गुस्सा आया, महादेव ने अपना त्रिनेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया, ठीक है। और जिस दिन उनको भस्म किया था वो दिन होली का था, लेकिन भस्म होने से पहले कामदेव ने अपना काम कर दिया था, और उसके बाद हमें मौका मिला महाशिवरात्रि मनाने का। तो इसलिए महादेव के भक्तों के लिए, ऐसा नहीं सोचिए कि ब्रिज की होली, अरे कृष्ण भगवान तो बाद में होली खेला, कृष्ण भगवान ने होली शुरुआत तो महादेव ने कर दी थी, इसीलिए खेलिए मसान में होली, खेलिए भभूत से होली खेलिए। हाँ, तो आज जो विषय है वो कई विषय हैं, ठीक है। तो आप लोगों को साधनाएं चाहिए, मतलब कोई साधना तो लिख नहीं रहा, गुरु जी ये साधना दे दीजिए, वो साधना दे दीजिए। तो मैं दो अलग अलग ऑडियो, मतलब दो अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। एक वीडियो बनाऊंगा तांत्रिक साधनाओं के ऊपर, दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं टोटकों के ऊपर कि आप कौन से टोटके कर सकते हैं, और छोटा छोटा दो चार और वीडियो अलग अलग साधनाओं पे बनाऊंगा। एक होली वाले दिन मैं दूंगा शाम में, और उसमें कोई भी सामग्री नहीं लगती, लेकिन वो सबसे बेस्ट साधना होगी। तो किस किस साधना से शुरू करें, पहले एक साधना बताता हूँ आपको, बंद विशेष साधना इसको कहते हैं। बंद विशेष साधना क्या होता है? बंद मतलब किसी भी चीज में अगर आपके आपकी बंदिश लग गई हो, परिवार की खुशी में बंदिश लग गई हो, व्यापार में बंदिश लग गई हो, भाग्य आपका आगे बढ़ नहीं रहा हो, भाग्य रुक गया हो, या आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हो, स्वास्थ्य में आपकी बंदिश लग गई हो, किसी भी तरह की जो बंदिश होगी वो इससे निकलता है। तो इसको करना कैसे है,
इसके लिए आपको लाल वस्त्र चाहिए, लाल आसन चाहिए, लाल माला चाहिए। होली की रात आप दक्षिण के तरफ बैठेंगे लाल वस्त्र पहन के, लाल आसन पर और लाल माला लेके। लाल माला सबसे आसान है हकीक का मिलना, आजकल क्रिस्टल का लाल माला मिल जाता है, ठीक है। महंगा माला मत खरीदना, क्योंकि जो अंत होगा उस माला का वो ऐसा नहीं होगा कि आप महंगा माला खरीद के वैसा कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, लाल आसन ले लिया, लाल वस्त्र पहन लिया, ठीक है, और लाल माला हाथ में लेकर के दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाइएगा और उसका संकल्प ले लीजिएगा कि मैं अमुक काम के लिए ये जो है मंत्र जाप कर रहा हूँ, ठीक है। मंत्र है, बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, सुन लीजिए। ओम क्लिम मम समस्त शत्रुणाम दोषान निवार्य क्लिम फट स्वाहा। ओम क्लिम मम समस्त शत्रुणाम दोषा निवार्य क्लिम फट स्वाहा, ठीक है। इसका 11 माला, और आपके पास अगर समय है तो 21 माला करिएगा, और दूसरे दिन सुबह में इस माला को आप जमीन में, मतलब कम से कम एक हाथ गड्ढा करके गाड़ दीजिएगा। इस माला के साथ ही आपके ऊपर जो भी बंदिश है वो खत्म हो जाएगी। आपके पास अगर समय है, या फिर आपका अगर आपके ऊपर जो भी बंदिश है वो आपको लगता है कि बड़ा बंदिश है, तो इस साधना को होली से शुरू करके तीसरे दिन खत्म करिएगा, और तीसरे दिन के बाद चौथे दिन सुबह में जा करके इस माला को गाड़ दीजिए। अच्छा, एक बहुत डिमांड अभी आ रहा है नटी साधना देने का। देखो, नटी यक्षिणी भी होती है और नटी एक भैरव की चेली भी होती है, ठीक है। तो मैं होली से पहले इन दोनों का साधना आप लोगों को बताऊँगा, नटी साधना भी बताऊंगा और जो भैरव की चेली है नटी उसकी भी साधना मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भाई साहब, आप लोगों के गुरु हो तो ज़्यादा बढ़िया है। एक मैसेज और बड़ा इंटरेस्टिंग आया था मुझे कि गुरु जी मारन दे दो, शत्रु बड़े परेशान कर रहे हैं। भाई साहब, मारन अगर कोई दे भी दे तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति का नियम है जिसको जब भी जाना है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते आप। आप हस्तक्षेप करेंगे तो जो प्रकृति है वो आपसे वापस लेगी, वो जो समय या उससे जो जो काम करवाना था वो सब आपसे ही लेगी। इसीलिए कभी भी मारन मिल भी जाए तो नहीं करो। देखो, मारन का क्या है, एक रात में मारन होता है। एक रात बैठो, एक पेज का मंत्र, जाके बनारस के घाट पे बैठ जाओ, मणिकरण के घाट पे, कहानी साफ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसका बहुत दुष्प्रभाव है। नाथों में कहा गया है कि जब तक राजा या राष्ट्र पे आपका संकट ना आए तब तक मारन का प्रयोग नहीं करते। तो ये सब सोचिए भी मत, और जब आप ऐसी नेगेटिव बातें सोचते हैं ना तो ऐसे भी आपके खुशियों का मारन हो जाता है। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, जब भी तंत्र का प्रयोग सोचना है तो अपने बेटरमेंट के लिए सोचना है। आप जैसे ही बेटर हो गए शत्रु खुद ब खुद खत्म होते जाएंगे। तो मुझसे ऐसी साधना मांगो जिससे आप बढ़ जाओ, शत्रु को मार के क्या करना है ना। अच्छा, एक मंत्र देता हूं होलिका के लिए, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है कि आप 5 दिया जला लो सरसों तेल का, ठीक है। सामने एक लाल कपड़ा बिछा लो, उस पर 5 नारियल रखो, ठीक। इस नारियल को की पूजा करो फूल से, अगरबत्तियों से, ठीक है। और एक काले हकीक की माला रखो, और उसके बाद आप एक मंत्र जपो, एम ह्रीम एम क्लिम क्लिम हुम हुम क्रिम क्रिम फट। क्या मंत्र है, एम ह्रीम एम क्लिम क्लिम हुम हुम क्रिम क्रिम फट। ये जो मंत्र है इसको वज्रासन में बैठ के करिएगा, और अगर होलिका, मतलब होलिका और होली का समय देख लीजिएगा, बीच के समय में इसको किया जाता है, और वज्रासन में बैठ करके इसको करना है आपको 11 माला काले हकीक से। इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होता है कि किसी भी तरीके का काला जादू अगर आपके परिवार पे हो, ठीक है, या आपको शत्रु परेशान कर रहा हो, तो किसी भी शत्रु का किया हुआ कोई भी काम नष्ट हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि शत्रुओं में परेशान कर रहे हैं, तो ये जो मंत्र है एम ह्रीम एम क्लिम क्लिम हुम हुम क्रिम क्रिम फट, इस मंत्र का सिर्फ 11 माला होली के दिन आप कर लोगे तो आपके जो भी शत्रु का जो भी किया धरा है सब नाश हो जाएगा। वो आपको किसी भी तरीके से, मतलब एक तो मंत्र के प्रभाव से भी और जो मटेरियल लाइफ है उसमें भी किसी तरीके से आपको तंग नहीं कर पाएगा। बस यहीं ख़त्म नहीं होता, अगर आप पे किसी तरह का केस मुकदमा या पुलिस
का कुछ परेशानी चल रहा है तो वो भी इस मंत्र को करने से खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये मंत्र बता दिया तो ऐसा भी तो है नहीं कि आपको भी लोग दुश्मन नहीं मानते हो, तो एक आप लोगों को रक्षा मंत्र बताता हूँ। देखिए, सुरक्षा पे मैंने बहुत सारा मंत्र आप लोगों को बताया है, लेकिन सुरक्षा अगर सही बताऊँ तो वही होता है जब आप किसी एक देवता देवी या उनके किसी गण को सिद्ध कर लो जो आपके साथ चलें। ठीक है, एक भगवती काली का मंत्र है, इस मंत्र को करना थोड़ा ट्रेचरस है। होली के रात में आप लोगों को श्मशान का एक कोना पकड़ देना है, और अगर उस श्मशान के कोने में दफनाने की व्यवस्था हो छोटे बच्चों को तो और अच्छा है। वैसे जगह पे बैठ करके आपको वज्रविहीन होकर के बैठ जाना है ज़मीन पर रात में 12 बजे के आसपास। ठीक है, और एक अगरबत्ती, एक कैंडल या फिर एक धूप, सबसे अच्छा इसमें रहता है जो गीला धूप रहता है उसका एक बड़ा सा मोटा सा बना लो, या फिर एक मोटा कैंडल ले जाओ जो कि 2-3 घंटे चले, वैसा सामने जला लो, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। ठीक है, आपको कुछ नहीं लेना है, जो भस्म होता है चिता भस्म या फिर वहाँ जो भी भस्म मिले उसको पानी में मिला के अपने शरीर पर लगा कर बैठ जाओ। ठीक है, एक रक्षा घेरा अपने आसपास घेर लो, लगा लो, और उसके बाद एक मंत्र है काली का, उसको आप लोग जपना। इस मंत्र को जपने के बाद काली प्रत्यक्ष होती है, वो भी सिर्फ होली की रात, और बहुत ही ताकतवर मंत्र है और आपकी हमेशा रक्षा करेगा और आपके शत्रुओं का ये बड़ा ज़ोरदार तरीके से विनाश करता है। मंत्र है काली मार रे माली, काली मार रे माली, कालीन मोक्ष मोलनी, मयो देत तदे मोमा रक्षतत् तक्षस्वर। बहुत अजीब सा मंत्र है, काली मार रे माली का लीन मोक्ष मोलनी ममो देत तदे मोमा रक्षतत् तक्षस्वर। इस मंत्र का अजपा जाप करना है। अजपा जाप का मतलब होता है कि आपको इसको बोलना नहीं है, आपको इसको गिनना नहीं है, बस आप जब पढ़िएगा अगर आसपास में कोई चिता है तो आपकी दृष्टि चिता पे होनी चाहिए, और चिता नहीं है तो आपकी दृष्टि आकाश पर होगी। ये साधना आप एक बार कर लोगे तो शक्ति आपको बिल्कुल दिखेगा। एक चीज़ और मैं बोलूँगा, ऐसे इस साधना को अकेले करते हैं, अगर आपके पास अपनाथ हैं या फिर एक अच्छे साधक हैं तो आप इसको अकेले ज़रूर करिए, लेकिन अगर आप बहुत मंझे हुए साधक नहीं हैं तो आपसे ऐसा अनुरोध है कि आप एकाध लोगों को थोड़ी दूरी पर रखें जो कि आपके एक आवाज़ देने पर आ जाएं। ठीक है, ये साधना अगर आप लोगों को बहुत ट्रेचरस लग रहा है या आपको लग रहा है कि आप करने में असमर्थ रहेंगे तो एक इत्र ले लेना। ठीक है, इत्र लेके श्मशान चले जाना, और किसी चिता के सामने, चाहे तो जलती हुई हो या बुझी हुई चिता हो, उसको उसके सामने आप बैठ जाना, और इसमें कोई भी वस्त्र या कपड़ा जो है उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जैसे हो वैसे चले जाना, अपनी बंदिश कर लेना जितना कर सकते हो, और उसके बाद घड़ी देख करके 45 मिनट, ठीक है, या करीम या रहीम साला मूम काबूम मीन रब रहम या इलाहा तेरी मदद, ये मंत्र को आपको करना है। ठीक है, ये हमारा मंत्र है नहीं, लेकिन उस दिन का ऐसा संयोग है कि ये मंत्र भी सिद्ध होता है, तो बस 45 मिनट वहां जाप करना है, और उसके बाद ये मंत्र आप कहीं भी किसी पे, मतलब एक तो आपकी रक्षा हमेशा ये करेगा, और जब भी आप किसी बहुत संकट में पड़ेंगे तो इस मंत्र को प्रयोग करिएगा, कहीं आपको लगे कि रक्षा का की आवश्यकता है तो ये मंत्र आप पढ़िएगा। देखिए, शब्दों का बहुत महत्व नहीं है कि मंत्र उर्दू में है या आसामी में है या बंगाली में है या संस्कृत में है या हिंदी में है, शब्द का अर्थ क्या है, शब्द का भाव क्या है। अगर मैं रब बोलता हूँ तो मेरे लिए रब तो महादेव है, किसी के लिए वो रब अल्लाह होंगे, किसी के लिए जीसस क्राइस्ट होंगे। तो आप जब मंत्र पढ़ते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो मुसलमानी मंत्र है, मुसलमानी मंत्र नहीं है, ये उर्दू मंत्र है। ठीक है, जिसने भी इसको सिद्ध किया होगा उनकी भाषा पारसी या उर्दू रही होगी, इसलिए इसको इसी भाषा में सिद्ध किया। साबर मंत्र जो भी लोकल भाषा होता है उसी में सिद्ध किया जाता है। ऐसे ही होली की एक रात में मैंने एक सुरक्षा मंत्र, जो आप लोगों को शायद मैंने दिया भी है, हनुमान जी का, वो मैंने सिद्ध किया था।
तो अगर उसको सिद्ध कर लेते हो तो फिर तो फिर आपके पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगी। आप देखना एक रात में सुरक्षा मंत्र के ऐसा कुछ नाम करके वो वीडियो है, मंत्र है ओम मरकट मरकटाय स्वाहा, ओम नहीं लगाना इसमें, मैंने इसलिए बोला कि मैं अभी घर में बैठा हूँ। तो ओम मरकट मरकटाय स्वाहा ये मंत्र जो है मैंने सिद्ध किया था, आप लोग भी सिद्ध करो होली की रात, उसका विधि विधान मैंने पूरा बताया है, इसको आप कर सकते। अच्छा, ये जितने मंत्र हैं ये जनरल संकट वाले मंत्र हैं, ठीक है, मतलब आप पे कोई भूत प्रेत की बाधा ना आए, आप पे शत्रु भारी ना पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि मुझे बताते हैं कि गुरुजी मेरी जान बचा लो, ठीक है, मतलब कि उन पे बहुत बड़ा संकट विपत्ति आया हुआ रहता है। ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी की एक विशेष साधना है। क्या करना है, शाम में जाना हनुमान जी के पास, ठीक है, हनुमान जी के मंदिर में, और आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक गुलाब के फूल की पूरी माला लेना 108 की, ठीक है, और खुद से 21 पत्ते या 108 पत्ते बेलपत्र के तोड़ना, सॉरी बेलपत्र के तोड़ लेना, और उसके बाद उसकी एक माला बनाना मौली से, और एक बड़ के पत्तों का जो है 11 का माला बनाना, उसको सर पे पहनाना, ठीक है। जो बड़ का पत्ता है उस पे जब आप चंदन से आपको लिखना है श्री राम का नाम, श्री राम ऐसा उन 11 पत्तों पे लिख लीजिएगा। शाम में आप हनुमान जी का जो भी आपके आसपास मंदिर है वहां पर जाइए, पहले इत्र केवड़े का इत्र चढ़ाइए हनुमान जी को, हम लोग तो स्नान करा देते हैं, इतना इत्र खरीद लीजिए कि मतलब एक अगर एक लोटा भी हो जाए तो उससे आप स्नान करा सकते हैं। तो केवड़े के इत्र से पहले भगवान को स्नान करा दीजिए, उसके बाद गुलाब के फूल को चढ़ा दे, बेलपत्र का फूल नीचे रखना है, ठीक है, और सर पे उनके जो बड़ का पेड़ है उसका मतलब बरगद, बरगद के पेड़ का जो आपने माला बनाया है 11 जिसमें राम नाम लिखा, वो उनके सर पे रख दीजिएगा, ठीक है। पैर पे जो सिंदूर आता है हनुमान जी के लिए, वो सिंदूर लेके उसमें घी मिला करके उनके पैर में लगाना है, मतलब पैर फुट पे, पूरे पैर पे नहीं, फीट पे आपको लगा देना है ऊपर में, हाँ, और उसके बाद आप वहां पर बैठ जाइए, बैठ के जाप कीजिए ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहाराणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय राम दूताय स्वाहा। इस मंत्र का आप 1008 जाप करेंगे, जब मैं बोलूं 1008 जाप करेंगे इसका मतलब माला का प्रयोग नहीं होगा वहां पे, ठीक है। जब भी आप एक शास्त्र जाप करते हैं तो माला से नहीं कर सकते, क्योंकि माला में 108 मनिकाएं होती हैं, तो आपको करमाला से इसको जाप करना है, 1008 एक सहस्त्र आपको जाप कर लेना है। जाप करने के बाद प्रसाद वसाद वहीं छोड़ देंगे, आपको वहां से उठाना क्या है, आपने जो सिंदूर उनके पैर पे लेपा है ना उसको आप उठा करके ले आएंगे, और उस सिंदूर से अपने घर के अंदर का जो भी चार दीवारी है उसमें कोने कोने में छींटते जाएंगे, ठीक है, इससे आपके घर का बंधन हो जाएगा, और आप उसका ही तिलक करेंगे तो आपका भी बंधन हो जाएगा। तो कोई अगर बहुत बड़ी विपत्ति है आपके सर पे तो उसका इमीडिएट नाश होता है। देखिए, ऐसी विपत्ति चाहे वो ग्रह दशाओं से हो या फिर ऐसी विपत्ति आपके वास्तु दोष से हो, दोनों का निराकरण इस विधि से। जो शत्रु नाश हो गया, रक्षा हो गया, तो अब थोड़ा पैसे की बात कर लेते हैं, धन लाभ कैसे होगा। देखो, कोई भी अगर मानसिक शांति किसी को चाहिए तो धन लाभ बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो एक लक्ष्मी साधना दे रहा हूँ, ऐसे बड़ा जनरलाइज लक्ष्मी साधना है, इसमें करना कुछ नहीं होता है, होली की रात में बैठ जाना महालक्ष्मी के सामने, घी का दीपक जलाना, एक लक्ष्मी दीपक आता है पीतल का, वो खरीद लेना, उसको जलाना, और 11,000 बाद जो मंत्र बता रहा हूँ उसका आप लोग जाप करना, ठीक है। ओम अंग कल्पी हरिवर आंगिन बांधो हनुमंत वीर नहीं जरे हाथ नहीं जरे पाओ अग्नि सो वाचा हनुमंत वीर चले तारा चले जीरा नहीं जरे करख दोहाई महा भदली पीर का दोहाई फिदाई साहेब का दोहाई पांच पीर औल्या का। ये मंत्र जो है आप लक्ष्मी जी के सामने 11,000 बार जपोगे होली की रात में, और उसके बाद
जब भी आप अपने व्यवसायिक केंद्र पे जाओगे या फिर जो आपका दुकान है या जो भी व्यापार का जगह है वहाँ जब आप जाओगे तो इसको आप रोज़ 21 बार जपना साफ सुथरा करके धूप दीप दिखा करके, इससे आपका व्यापार ना कई गुना बढ़ेगा। ये मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड मंत्र है। इसके अलावा छोटे छोटे वीडियोस मैं कल परसों में आप लोगों को दूंगा, कुछ वशीकरण का, कुछ नटी साधना का, एक बेताल काली का साधना है, लेकिन सब एक वीडियो में कितना दे दूं मैं। एक वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूँ टोटके के लिए, तो होली के दिन बड़े टोटके होते हैं। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने साधना का वीडियो बनाया है, मैं टोटके का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन होली के दिन गलती से भी तंत्र चलाना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे समय में क्या है कि साधु संन्यासी दिशाओं को बांध के रखते हैं, जैसे जब प्रयागराज में कुंभ होता है उस समय तंत्र बहुत नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि दिशाओं का में बंदिश होती है। वैसे ही जो स्पेशल दिन है, इस दिन कभी भी तंत्र चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 90% टाइम तंत्र आपका वापस आता है। अगर बहुत सुलझे साधक हैं या फिर आपने बलि का व्यवस्था कर रखा है और आप अब जान हथेली पे ले के निकले तो बात अलग है, नहीं तो किसी भी अच्छे दिन जैसे अभी होली है, फिर दीपावली है या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है, इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि नई सिद्धियाँ प्राप्त करें। ये नहीं कि सिद्धि है तो किसी पे मारन कर दिया, मोहन कर दिया, उच्चाटन कर दिया, वशीकरण कर दिया, ये सब आम दिनों में करें। तो अभी आज के लिए इतना ही। आप सभी को अलग आदेश आदेश आदेश। इस होली में आप लोग ज़रूर एकाध सिद्धियाँ करें और मुझे भी बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या किया। आज 3-4 दिया है, अभी कल परसों भी दूंगा मैं। और भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है तो आप मेरा किताब हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा मुझसे आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता है क्या करना है, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए, उसमें जो कॉल बटन आता है उसको दाबिए और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था, बहुत परेशान हूँ इसीलिए उसको अब नहीं देता हूँ। आप सभी को आदेश आदेश। इस होली आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिद्धिदायक रहे। आप सभी को अलग आदेश आदेश आदेश।